सैर करना तो हम सभी को अच्छा लगता है। हरे भरे खेतों, खलिहानों, बाग बगीचों, नदियों और तालाबों की सैर आप लोगों ने भी की होगी। तालाबों में तैरती हुई खूबसूरत मछलियां, कभी ऊपर और कभी नीचे छिपती हुई मछलियों ने आप लोगों का मन जरूर मोह लिया होगा। बहुत से लोग इन मछलियों को भोजन में बड़े चाव से खाते हैं। तालाब से निकलकर ये मछलियां बाजार तक और फिर आपके घर तक कैसे पहुंचती हैं? ये तो आप सभी जानते हैं कि मछली जल की रानी है। बड़े बड़े तालाबों और नदियों, समुद्रों में पलकर ये मछलियां पड़ी होती हैं। वहां इनको पालने और तालाब या समुद्र से निकालकर बाजार तक ले जाने का काम करता है मछुआरा। मछुआरे का जीवन बहुत मेहनत का जीवन है, चाहे कड़ाके की ठंड हो या भीषण गर्मी का मौसम, जोरदार बारिश हो या आंधी तूफान आए, ये मछुआरे तालाब और नदी में अपना जाल डालकर उसमें मछली के फंसने का इंतजार करते रहते हैं। जितनी अधिक मछलियां फंसेंगी उतना ही अधिक उनको पैसा मिलेगा। मछली बेचकर ही तो ये अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तुम मछली पकड़ने का ये जाल देख रहे हो? जाल बुनने का काम मछुआरों के घर में ही होता है। बड़ों से लेकर बच्चे तक जाल बुनने के काम में जुटे रहते हैं, यानी पूरा का पूरा परिवार इस कारोबार में अपनी मेहनत और समय लगाता है। ये जो जाल है वो इस प्रकार बनाया जाता है कि पानी में डालने पर इसमें मछलियां फंस जाएं और जल बाहर निकल जाए। आप लोग जाल के दोनों ओर देख रहे हैं, ये खेलने के गेट नहीं है, ये हैं लट्टू, जिनको जाल के दोनों ओर लगाया गया है जिससे जाल पानी में डूबने न पाए। आओ देखें मछुआरा कैसे जाल से मछली पकड़ता है। आपने देखा, इसने तालाब में जाल डाला, अब इसे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। इतनी ढेर सारी मछलियां, मछलियां देखकर मछुआरों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि मछली बेच करके ही उनको पैसे मिलते हैं जिससे चलाते हैं ये अपना परिवार। पानी से निकालकर बड़े बड़े टोकरों में मछलियां रखी जाती हैं। मछली खरीदने वाले कुछ व्यापारी भी यहाँ आ जाते हैं। वे इन मछुआरों से मछली खरीद लेते हैं और इसे बाजार तक ले आते हैं। ज्यादातर मछुआरा परिवार को गरीबी का जीवन बिताना पड़ता है। शहर और गांव से दूर तालाबों के पास ये झोपड़ियों में रहते हैं। आज मछली पालन एक प्रमुख उद्योग बन रहा है। जितना ही इस उद्योग का विकास होगा, मछुआरे और उसके परिवार वाले उतनी ही खुशहाली का जीवन बिताएंगे।